उत्तर प्रदेश में चुनाव अभी महीनों दूर है, लेकिन तीन दिनों तक उत्तर प्रदेश को लेकर बीजेपी संगठन महासचिव बीएल संतोष की बैठकों ने वहां की राजनीति गर्मा दी है। बीएल संतोष ने तीन दिनों तक अलग अलग मंत्रियों, विधायकों और प्रवक्ताओं से मुलाकातें की। तीन दिनों की बैठक में कई बातों पर मतभेद खुलकर सामने आए हैं, जिसमें कई मंत्रियों ने खुलकर ब्यूरोक्रेसी से तालमेल न होने की शिकायत की। इसके अलावा ये भी मुद्दा उठा कि अभी भी कई निगम और आयोग के पद खाली हैं, जो आम राय न बन पाने के कारण खाली हैं। पार्टी के कई प्रकोष्ठों में भी पद भरे जाने बाकी हैं। यूपी को लेकर बीजेपी के इस मंथन को सिर्फ 2022 की चुनावी तैयारी के मद्देनजर देखा जाए या ये कोई बड़ा संकेत है? कोरोना लहर के पीक के दौरान खुद यूपी के कानून मंत्री बृजेश पाठक और सांसद कौशल किशोर जैसे बीजेपी नेताओं ने यूपी में व्यवस्था पर नाराजगी जाहिर की थी। उस दौरान योगी खुद कोरोना से बीमार हुए थे। हालांकि जब से खुद योगी आदित्यनाथ कोरोना से उभरे, उन्होंने कोरोना मैनेजमेंट का जिम्मा अपने हाथों में ले लिया। ऐसे में बीएल संतोष का यूपी दौरे के दौरान का ये ट्वीट अहम हो जाता है, जिसमें उन्होंने लिखा कि 5 हफ्तों में योगी आदित्यनाथ के उत्तर प्रदेश ने नए रोजाना केसेस को 93% तक कम किया। याद रहे कि राज्य में 20 करोड़ से ज्यादा आबादी है। जब म्युनिसिपैलिटी मुख्यमंत्री 1.5 करोड़ आबादी में मैनेज नहीं कर सके, योगी ने असरदार तरीके से मैनेज किया। बीएल संतोष के इस लखनऊ यात्रा को लेकर बड़े सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। मीडिया में लगातार इस बात की अटकलें हैं कि आखिर इस यात्रा का मकसद क्या है, क्या कहीं कोई बदलाव है, क्या एके शर्मा को योगी मंत्रिमंडल में लाने की कवायद है, क्या डिप्टी सीएम केशव मौर्य को दोबारा से प्रदेश अध्यक्ष बनाने की बात चल रही है, कि उन्हें ओबीसी चेहरे के तौर पर दोबारा से चुनाव के पहले आगे करने की कोशिश है, या फिर मंत्रिमंडल विस्तार के साथ साथ केंद्र के मंत्रिमंडल विस्तार की बात है। कई बातें ऐसी हैं जो लगातार पिछले तीन दिनों से मीडिया की सुर्खियां बनी हुई हैं। लगातार इस बात की अटकलें भी लगाई जा रही हैं कि जिस तरीके से एके शर्मा को लेकर लगातार बातें निकली हैं, कहीं योगी आदित्यनाथ उसका विरोध तो नहीं कर रहे। ऐसी तमाम अटकलों के बीच ये यात्रा खत्म हुई है, लेकिन सबकी निगाहें अब इस बात पर टिकी हैं कि आने वाले कुछ हफ्तों में क्या कुछ बदलाव हो सकता है। उत्तर प्रदेश सियासी लिहाज से बीजेपी के लिए सबसे अहम राज्य है। 2014 से ही लोकसभा और विधानसभा दोनों में बीजेपी को यहां बड़ी सफलताएं मिली। ऐसे में यूपी को लेकर बीजेपी कोई चांस लेना नहीं चाहेगी। लखनऊ से श्रीवेन श्रीवास्तव और कुमार अभिषेक के साथ आज तक ब्यूरो।